फ्लिपकार्ट आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है 61,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के साथ। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, 3,00,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप और इसके दोनों फाउंडर्स देश के सबसे अमीर लोगों में से भी एक बन चुके हैं। सचिन बंसल की वर्थ है 10,600 करोड़ रुपए और बिनी बंसल की 11,400 करोड़ रुपए। इन दोनों ने फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया 2007 में 4,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। स्टार्टिंग में ये सिर्फ बुक्स बेचते थे ऑनलाइन, लेकिन धीरे धीरे बाकी सामान भी बेचना शुरू किया। कंपनी के अर्ली स्टेजेस में इन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और एक दो बार तो बैंक होने के कगार पर थे। तो कैसे फ्लिपकार्ट ने वहाँ से कमबैक किया और ऐसा क्या हुआ कि दोनों फाउंडर्स को कंपनी छोड़नी पड़ी, इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, किसी ड्रामेटिक बॉलीवुड फिल्म जैसे। 2007 में सचिन और बिनी बंसल बैंगलोर में अमेजोन इंडिया में काम कर रहे थे। इंडिया के लिए सर्च इंजन बनाने का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था अमेजोन का, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो भी बढ़िया एम्प्लॉइज थे उनके लिए ज्यादा काम नहीं बचा कंपनी में। वैसे तो तब अमेजोन का प्लान था इंडियन मार्केट में एंटर करने का, मगर कुछ रीजंस की वजह से उसे डिले करना पड़ा। इनमें ग्लोबल रिसेशन और इंडिया में लो इंटरनेट यूजेज भी बड़ा कारण बना। इसको देखते हुए कई ब्राइट एम्प्लॉयज ने कंपनी छोड़नी शुरू कर दी, उनमें दोनों बंसल्स भी शामिल थे। वैसे तो ये दोनों IIT दिल्ली में मिले थे 2005 में, जहां इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। वहीं से इनकी लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती शुरू हो गई। अमेजोन छोड़ते वक्त उन्होंने सोचा कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया में ई कॉमर्स कंपनी बनाने की, क्योंकि अमेजोन ने भी अपने प्लान्स डिले कर दिए और इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में इन्हें सिग्निफिकेंट गैप दिखा, जो कि ये बेहतर फिल कर पाएंगे क्योंकि ये इंडियन कंज्यूमर से ज्यादा फेमिलियर हैं। फाइनली अक्टूबर 2007 में इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, मगर बहुत जल्दी उन्हें पता चल गया कि ये करना कोई आसान काम नहीं होगा। जब भी वो किसी वेंडर से बात करते अपने प्लेटफॉर्म पर बुक्स लिस्ट करने के लिए, वो सब मना कर देते। लोगों को इंटरनेट के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी और उस पर बिजनेस करना तो उनकी सोच से भी बाहर था। काफी मेहनत के बाद बंसल्स कुछ वेंडर्स को कन्विंस करने में कामयाब रहे और बुक्स लिस्ट करनी शुरू की। महीने के एंड तक उनके पास पहला ऑर्डर आया आंध्र प्रदेश से। उनकी एक्साइटमेंट बहुत जल्द स्ट्रेस में बदल गई जब वो बुक कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। बंसल्स ने पूरा बैंगलोर छान मारा और कहीं से वो बुक ढूंढी निकाली, फिर डिलीवर की। पहले ऑर्डर को फुलफिल करने से फ्लिपकार्ट अब ऑफिशियली ऑनलाइन बुक सेलर बन चुका था। उस समय कोई भी अच्छी और ट्रस्टवर्दी ई कॉमर्स साइट नहीं थी इंडिया में। दोनों बंसल्स ने अमेजोन की प्लेबुक से पेज निकाला और कस्टमर एक्सपीरियंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। अमेजोन की फेमस कस्टमर ऑब्सेशन पॉलिसी को इन्होंने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आसमान छूने लगा। बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस और ट्रस्टवर्दी सर्विस प्रोवाइड करना उनका एम रहा है स्टार्टिंग से। सिर्फ ये दोनों ही काम कर रहे थे पहले साल, सब कुछ खुद हैंडल करते थे, वेबसाइट डेवलपमेंट से बुक डिलीवर करने तक। 2007 में 20 शिपमेंट्स पूरी कर चुके थे। पहले 6 महीनों में ही इनका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया। बढ़ते बिजनेस को देखते हुए 2008 में दोनों कोरमंगला के एक 2 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जो इनका ऑफिस भी रहा अगले कुछ सालों के लिए। अगले साल कंपनी ने रैपिड ग्रोथ देखी और 2009 के एंड तक 4 करोड़ रुपए की बुक्स बेच चुके थे ये लोग। बुक लवर्स में फ्लिपकार्ट एक हिट साबित होने लगी थी टाइटल्स की वाइडर सिलेक्शन, टाइमली डिलीवरी और बेहतर कस्टमर सपोर्ट की वजह से। सिर्फ बायर्स ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स ने भी इनको नोटिस करना शुरू किया और 2009 में ही फ्लिपकार्ट ने पहला वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेज किया $1 million यानी 4.8 करोड़ रुपीस का एक्सेल पार्टनर्स से। 2009 के एंड तक आते आते उनके पास 150 से ज्यादा इम्प्लॉइज और 3 ऑफिसेस हो चुके थे 3 मेजर सिटीज में। इतनी जल्दी सचिन और बिनी अपनी कंपनी को ग्रो करने में सफल रहे थे और साथ ही अपने रोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सेटल होने लगे। सचिन बड़ा सोचने में और कंपनी की फ्यूचर विजन बनाने में बेस्ट थे और बिनी कंपनी के ऑपरेशंस और डिटेल्स हैंडल करने में। इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी, जो फ्लिपकार्ट की अर्ली ग्रोथ का बड़ा कारण बनी। जो सचिन ड्रीम करते वही बिन्नी रियल बना देते। इसी बीच एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ली फिक्सल की नजर पड़ी फ्लिपकार्ट पर। वो काफी इंप्रेस हुए इससे और अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। उस इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम है टाइगर ग्लोबल। 2010 में उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट पूरी की $10 million या 45 करोड़ रुपीस की। फ्लिपकार्ट तब तक ऑलरेडी बुक लवर्स की पहली चॉइस बन चुकी थी। फिर कंपनी ने नेक्स्ट स्टेप लिया इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में उतरकर, जब मोबाइल फोन्स बेचने शुरू किए। इसके कुछ महीने बीतने के बाद बुक सेल्स तो ग्रो कर रही थी, मगर मोबाइल सेल्स स्टैग्नेंट हो गई, क्योंकि कस्टमर्स को 500,000 रुपए की अमाउंट ऑनलाइन खर्च करने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर मोबाइल फोन्स की बड़ी अमाउंट 10,000-20,000 वो नहीं कर पा रहे थे प्रोडक्ट्स को बिना टच और फील किए। ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी था इसके लिए। तभी फ्लिपकार्ट ने एक ब्रिलियंट आइडिया इंट्रोड्यूस किया, कैश ऑन डिलीवरी। ये पहली ई कॉमर्स कंपनीज में से एक बन गई थी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन देने वाली। एक और कदम आगे जाते हुए उन्होंने नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की। इतने सीरियस थे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो अपने प्रॉफिट्स और ग्रोथ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे। कस्टमर्स को ये ऑप्शंस इतने पसंद आए कि उनके पॉपुलर फोन्स बहुत स्पीड से बिकने लगे। फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा चॉइसेस की वजह से अब वो लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे जिन्होंने पहले ये कभी ट्राई भी नहीं किया। आज ये तीनों फीचर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, हर ई कॉमर्स साइट ऑफर करती है। 2009 में 4 करोड़ रेवेन्यू के बाद 2011 तक उनकी सेल्स एक्सप्लोड हो गई 75 करोड़ रेवेन्यू के साथ, 18 गुना ग्रोथ 2 साल के अंदर। फ्लिपकार्ट की इस अनस्टॉपेबल ग्रोथ के पीछे कंज्यूमर को अट्रैक्ट और रिटेन करने का सीक्रेट फॉर्मूला छिपा
छिपा था। यही फॉर्मूला उन्होंने नई मार्केट्स और कैटेगरीज में एक्सपैंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया। 2012 तक इनकी वैल्यूएशन ने $1 बिलियन का भी मार्क क्रॉस कर लिया। इंडिया का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप यूनिकॉर्न टर्म भी पहली बार 2013 में इस्तेमाल की गई थी। इसके एक साल बाद आइलीन ली, एक अमेरिकन वीसी, ने टेक क्रंच मैगजीन के आर्टिकल में इसे इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टअप्स को डिफाइन करने के लिए जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। यूनिकॉर्न एक मिथिकल क्रीचर है जो एक व्हाइट हॉर्स जैसा दिखता है फोरहेड पर एक लंबे हॉर्न के साथ। इसको कंपनीज के साथ कंपेयर करने का ये रीजन था कि ये बहुत रेयर क्रीचर्स होते हैं, वैसे ही जैसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। फ्लिपकार्ट पर वापस आए तो वो तब तक एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई जिसने बाकी स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को इंस्पायर किया कुछ बड़ा करने के लिए। सचिन और बिनी कईयों के आइडल्स बन गए। इनकी ग्रोथ को देखते हुए कई इन्वेस्टर्स भी मार्केट में उतरे जो कि पहले इंटरनेट कंपनीज को ज्यादा भाव नहीं देते थे। इनमें से काफी वीसीज ने तो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने से भी मना कर दिया था अर्ली स्टेजेस में। रातों रात नए स्टार्टअप पैदा होने शुरू हुए जिनको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई और सपोर्ट भी मिला मार्केट से। एक तरह से स्टार्टअप क्रेज पनपने लगा देश भर में, स्पेशली बैंगलोर में। स्नैपडील, मिंत्रा, इंडिया मार्ट जैसे नए स्टार्टअप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वैरायटी और कॉम्पिटिशन लाए। इनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट जरूर थी फ्लिपकार्ट से। स्नैपडील ने मार्केट प्लेस स्ट्रक्चर यूज किया जिसमें वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते सेलर्स को बायर से कनेक्ट करने के लिए, उनके अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी। मिंत्रा ने फैशन कैटेगरी में पकड़ बनाई, वही इंडिया मार्ट B2B मार्केट प्लेस बनकर उभरा। इन सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज थी मगर अभी भी करोड़ों लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब था फ्लिपकार्ट। लेकिन 2013 में अमेजोन की इंडिया में एंट्री के बाद इनको एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर मिला। सचिन और बिनी ने इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया है कस्टमर्स के लिए और ट्रस्ट भी बिल्ड किया है सालों लगाकर। इन्वेस्टर्स ने भी उनका कॉन्फिडेंस शेयर किया और फ्लिपकार्ट ने लगभग $2 बिलियन रेज किया सिर्फ 2014 में। टाइगर ग्लोबल और एक्सेल ने अपना फेथ बरकरार रखा। ये इन्वेस्टमेंट जरूरी थी क्योंकि अमेजोन CEO जेफ बेजोस ने भी इंडियन मार्केट में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी 2013 में। नई इन्वेस्टमेंट से फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया 2400 करोड़ रुपए में और फैशन सेगमेंट में भी एंट्री कर ली 2014 में। मिंत्रा के CEO मुकेश बंसल को फिर फ्लिपकार्ट में हेड ऑफ कॉमर्स एंड एडवर्टाइजिंग की पोस्ट दे दी गई। 6 अक्टूबर 2014 फ्लिपकार्ट की 7th एनिवर्सरी और दिवाली सीजन की शुरुआत में उन्होंने एक मेजर सेल इंट्रोड्यूस की बिग बिलियन डे के नाम से। इसमें कई नए और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लिस्ट किए गए और साथ ही भारी डिस्काउंट्स भी दिए गए ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर। कस्टमर्स ने इसे इतना पसंद किया कि वेबसाइट क्रैश हो गई। इंजीनियर्स को लिमिट लगानी पड़ी नंबर ऑफ यूजर्स पर। सिर्फ 10 घंटे के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा का सामान बिक गया। इनमें सबसे ज्यादा सेल्स मोबाइल फोन्स और फैशन सेगमेंट में दिखी। पूरी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया गया और नए फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए गए पूरे देश भर में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। इसकी सक्सेस के बाद से हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है फ्लिपकार्ट। अगले साल 2015 बिग बिलियन डे में सेल्स 1800 करोड़ को भी क्रॉस कर गई थी, 3 गुना ज्यादा पिछले साल से। फैशन सेगमेंट का पोटेंशियल देखते हुए 2016 में जाबोंग को भी एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट ने 460 करोड़ रुपए में। इससे उनको ये फायदा हुआ कि उनको अपनी इन्वेंटरी और प्लेटफॉर्म मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, जाबोंग और मिंत्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते थे। फ्लिपकार्ट फिर एक्वायरिंग स्प्री पर चली गई जहां उन्होंने फोन पे को खरीदा क्योंकि उन्हें अपना एक पेमेंट इंटरफेस चाहिए था। उसके बाद 2017 में अपने पुराने कंपेटिटर ईबे के इंडियन ऑपरेशंस को भी खरीद लिया 4700 करोड़ रुपए में। फिर लोकल कंपेटिटर स्नैपडील को खरीदने लगे थे लगभग 5200 करोड़ रुपए में, जिसे स्नैपडील ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी डिमांड थी कि कम से कम 6500 करोड़ रुपए का ऑफर हो, यानी $1 बिलियन। फ्लिपकार्ट अपनी रीसेंट सक्सेसेस से क्लाउड 9 पर थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, लेकिन बैकग्राउंड में अमेजोन धीरे धीरे बढ़त बना रही थी। उनके पास पैसों और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के साथ एक बड़े वॉर की तैयारी में लगी थी। सचिन और बिनी के एक्सपीरियंस और लोकल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ने कुछ एडवांटेज तो दिया, मगर अमेजोन ने भी कई टैक्टिक्स अपनाए जो इंटरनेशनल मार्केट्स में कामयाब रहे, जैसे हेविली डिस्काउंटेड प्राइसेस, प्राइम डिलीवरी, प्राइम के अंदर दूसरी सर्विसेज जैसे वीडियो और म्यूजिक को बंडल कर देना, और फाइनली कस्टमर ऑब्सेशन जो कि उनका ट्रेडमार्क रहा है। ऐसे ही अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हुए 2018 तक अमेजोन 31.2% तक पहुंच गई, फ्लिपकार्ट के 31.9% के काफी करीब। मिंत्रा और जबाओं की सेल्स को मिलाकर फ्लिपकार्ट ग्रुप का टोटल मार्केट शेयर 38.3% था। साल के एंड होने से पहले ही अमेजोन ने फ्लिपकार्ट को ओवरटेक कर लिया और बन गई इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। कस्टमर्स को भी अमेजोन की फास्ट डिलीवरी, स्ट्रेस फ्री शॉपिंग और इजी एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी काफी पसंद आई, प्लस प्राइम एक गेम चेंजर साबित हुआ। अमेजोन को एज मिल गया फ्लिपकार्ट के ऊपर जब लोग फ्री शिपिंग का फायदा उठाने के साथ फिल्म, म्यूजिक और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते थे, सब एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। इंडिया के मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आज अमेजोन की टोटल रेवेन्यू का 65% मेट्रो एरिया से आता है, वहीं फ्लिपकार्ट को 45% सेल्स रूरल एरियाज और छोटी सिटीज से मिलती हैं। इस टाइम पीरियड में जहां अमेजोन को एक के बाद एक जीत हासिल हो रही थी, वहीं फ्लिपकार्ट ने कुछ बड़े ब्लंडर्स कर दिए, जैसे उनका ऐप ओनली एक्सपेरिमेंट। इसमें कंपनी ने अपनी वेबसाइट को बंद करके सिर्फ मोबाइल ऐप को ही ऑन रखा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सचिन ने
प्रेडिक्ट किया था कि उनके यूजर्स फ्यूचर में सिर्फ ऐप से ही शॉपिंग करेंगे और वेबसाइट्स यूजलेस हो जाएंगी। उस टाइम ऑलरेडी उनका 80% ट्रैफिक ऐप से ही आ रहा था, मगर बाकी 20% यूजर्स को फोर्सफुली ऐप इंस्टॉल करवाना कुछ लॉयल कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगा और कईयों ने दूसरी कंपनी से शॉपिंग करनी शुरू कर दी। इससे उन्हें उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर मिल गया और स्विच करने में आसानी हुई। एक महीने बाद फ्लिपकार्ट के ओवरऑल ट्रैफिक का 20% से भी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उनको वेबसाइट रीस्टार्ट करनी पड़ी, मगर तब तक हार्म हो चुका था। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना खुश थे सचिन की हैवी हैंडेड अप्रोच से। टॉप एग्जीक्यूटिव्स के फीडबैक को वैल्यू नहीं दी जा रही थी और सचिन सिर्फ अपने मन के ही करते। इससे कई टैलेंटेड एम्प्लॉयज ने रिजाइन भी कर दिया और कईयों को फायर कर दिया गया। मोरल और प्रोडक्टिविटी गिरती चली गई। फिर टॉप मैनेजमेंट को बीच में आके सचिन को सीईओ पोजीशन से रिजाइन करने के लिए फोर्स करना पड़ा। 2016 में सचिन ने सीईओ की पोस्ट ऑफिशियली बिनी को हैंडओवर कर दी स्टार्ट होने के 9 साल बाद और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए बोर्ड के। कल्याण कृष्णमूर्ति एक मास्टर ऑपरेशंस मैनेजर हैं जो ऑन और ऑफ 2011 से फ्लिपकार्ट में ऑपरेशंस को संभालने का काम कर रहे थे। इनको इनके फ्रेंड ली फिक्सल की वजह से कंपनी में एंट्री मिली जब फ्लिपकार्ट को थोड़ी कॉस्ट कटिंग की जरूरत पड़ी। कल्याण टाइगर ग्लोबल में मैनेजिंग डायरेक्टर थे इससे पहले, जहां उनकी ली फिक्सल से अच्छी दोस्ती हो गई। फिर फ्लिपकार्ट में आके इन्होंने स्पीड से एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स बंद कर दी और पूरी कंपनी को स्ट्रीमलाइन कर दिया। ये बढ़िया काम देखकर टॉप मैनेजमेंट और स्पेशली ली फिक्सल को बहुत अच्छा लगा, मगर दोनों बंसल्स अपनी कंपनी में कल्याण का बढ़ता इन्फ्लुएंस देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। कई साल ऐसे ही चलता रहा। कल्याण कुछ टाइम के लिए कंपनी से चले गए, फिर बाद में आ गए, लेकिन सचिन को अपनी पोस्ट से हटाए जाने के बाद उनका रास्ता क्लियर होना शुरू हुआ। बिनी भी कल्याण को इतना पसंद नहीं करते थे, मगर बोर्ड के प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज करके साथ में काम करना पड़ा। दूसरी तरफ सचिन अपने सीईओ की पोजीशन वापस पाना चाहते थे, तो उन्होंने इलैबोरेट प्लानिंग की। वो खुद पहले अमेज़न के सीईओ फिर वॉलमार्ट के सीईओ के पास गए और उनको बताया कि फ्लिपकार्ट सेल के लिए रेडी है, अपने बोर्ड से बाद में बात की। दोनों ही इंटरेस्टेड थे फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए और दोनों के बीच बिडिंग वॉर छिड़ा, जिसमें वॉलमार्ट ने जीत हासिल की। अमेज़न को ऑफर था मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने का $15 बिलियन में। फिर वॉलमार्ट ने अपना ऑफर बढ़ाया 77% कंट्रोलिंग स्टेक $16 बिलियन में। अमेज़न ने बैकआउट कर दिया और फाइनली 2018 में वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को 1,12,000 करोड़ रुपए में, यानी $16 बिलियन। कंपनी की टोटल वैल्यूएशन हो गई 1,40,000 करोड़ रुपए या $20 बिलियन। सचिन का पर्पस था ये सब करने का कि अब बोर्ड मेंबर्स वॉलमार्ट के हो जाएंगे तो वो उनको फेवर करना शुरू कर देंगे। ये सोच के वो वॉलमार्ट के सीईओ और प्रेसिडेंट के पास गए अपने आप को सीईओ बनाने का सपोर्ट पाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब ये बात फ्लिपकार्ट के बोर्ड मेंबर्स को पता चली तो उन्होंने सचिन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट से भी रिजाइन करने को फोर्स किया और कंपनी से निकाल दिया। वॉलमार्ट के लिए भी फ्लिपकार्ट खरीदने के कई फायदे थे। सबसे पहला, इंडियन मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। इससे वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे वर्ल्ड वाइड, तो फ्लिपकार्ट के एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा अमेज़न से कंपटीशन में फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस और लोकल नॉलेज जरूरी था साउथ एशियन मार्केट में बढ़त बनाने के लिए। इंडिया में ई कॉमर्स का और भी बहुत पोटेंशियल है बढ़ती मिडिल क्लास और इंटरनेट यूजर्स की वजह से। सही समय देश में इन्वेस्ट करके वॉलमार्ट ने तगड़ी पकड़ बना ली है। अब फ्लिपकार्ट को ना ही आउटसाइड इन्वेस्टमेंट ढूंढने की जरूरत है, वो वॉलमार्ट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके स्पीड से ग्रो कर सकते हैं और अमेज़न को भी परेशान कर सकते हैं इंडिया में। एक्विजिशन के बाद बिनी ने भी सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर दिया कुछ पर्सनल रीजंस देते हुए और कल्याण आखिरकार सीईओ बन गए जो वो कई सालों से बनना चाहते थे। 2021 में फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $37.6 बिलियन या 2,78,200 करोड़ रुपीज तक पहुंच गई लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद, और वॉलमार्ट का अगले कुछ सालों में इसका आईपीओ यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का भी प्लान है। आज भी फ्लिपकार्ट देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है 15 करोड़ प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के साथ 80 कैटेगरीज में। हालांकि दोनों फाउंडर्स ने कंपनी को तो छोड़ दिया, मगर उनके हार्डवर्क और लॉन्ग टर्म विजन के बिना फ्लिपकार्ट आज इतनी बड़ी कंपनी ना होती। अपनी एग्जिट के बाद सचिन ने एक स्टार्टअप फाउंड किया है नवी टेक्नोलॉजीज के नाम से, जिसका फोकस है इंडिया की बढ़ती फिनटेक स्पेस के ऊपर। वहीं बिनी दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स को अपना बिजनेस स्केल और ग्रो करने में हेल्प करने लग गए अपनी कंसल्टेंसी वेंचर X2 10X टेक्नोलॉजीज के थ्रू। फ्लिपकार्ट के बाद से एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन देखने को मिला है देश में। हजारों नए स्टार्टअप उभर के आते हैं हर साल और इन्वेस्टमेंट्स भी भर के मिलती हैं उन्हें। 2021 के पहले 4 महीनों में ही 11 कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई। इससे इंडिया के बिलियनियर टेक लीडर्स की संख्या भी बढ़ी है और ओवरऑल इकोनॉमी को भी काफी फायदा हुआ है। ये बूम हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक की बदौलत भी हो पाया है, जो सैकड़ों कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसी और वीडियोस देखने के
हाय, मेरा नाम मयंक है, इस चैनल का क्रिएटर। ये वीडियो कैसी थी? मुझे फ्लिपकार्ट की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने ये बुक पढ़ी रिसेंटली, बिग बिलियन स्टार्टअप बाय मिहिर दलाल। इसी से इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियो बनाई। इसमें और भी कई इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं फ्लिपकार्ट की जर्नी के बारे में, जो मुझे स्किप करने पड़े इस वीडियो में क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। इसीलिए इसमें फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप भी ये बुक पढ़िए, बहुत पसंद आएगी आपको। ऑर्डर करने के लिए मेरा लिंक यूज करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय द वे, इस बुक पे एक नई वेब सीरीज भी बनने जा रही है बहुत जल्द। दिल्ली की नई वर्ल्ड क्लास ट्रेन RRTS के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। बाय।